अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तमाम अनीक पर एक और गेस्ट के साथ हम हाजिर हैं फ्यूचर फेस्ट के डे 3 पर, जो हैं हमाद अली साहब, डिविजिटल कंपनी से हैं। इनकी सर्विसेज क्या हैं और क्या प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं लोगों को, आइए इन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमाद साहब कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। एंड हाउ हैज फ्यूचर फेस्ट बीन फॉर यू? इट इज बीन क्वाइट अमेजिंग बिकॉज़ वी केम हियर फॉर अ लॉट ऑफ माइलेज, और हम देखना था कि कितने यहां पे फ्यूचर पे हम कितने बहुत सारे स्टॉल्स हैं जो कि फ्यूचरिस्टिक हैं, एआई बेस्ड और टेक्नोलॉजी के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। प्लस वी वांटेड कि हम अपने यूथ को देख सकें कि वो कितना इन्वॉल्व्ड है इन द टेक्नोलॉजी, बिकॉज वी रियली बिलीव कि पाकिस्तान में इफ़ यू वांट टू ग्रो हमें अपने टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। बिल्कुल। एंड रिस्पॉन्स कैसा रहा है फ्यूचर फेस्ट से? इट हैज़ बीन क्वाइट अमेजिंग। वी हैड लॉट ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो कि टेक में वो इंटरेस्टेड हैं, एंड इट इज़ वेरी रिफ्रेशिंग टू सी, क्योंकि पहले होता था कि आपने अपनी डिग्री की देन यू स्टार्ट सर्चिंग फॉर योर जॉब, लेकिन राइट नाउ वी हैव अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो कि अपने सेवन्थ सेमेस्टर में बैचलर्स में, लेकिन दे आर ऑलरेडी थिंकिंग ऑफ द फ्यूचर, दे हैव वर्क इंटर्नशिप्स और ऑलरेडी टेक के अंदर वो आना शुरू हो गए हैं। सो डू यू थिंक टेक का जो एक टाइम पे आया था बूम, एंड देन उसके बाद थोड़ा सा स्लंप आया था, फिर नाउ वंस अगेन टेक का फिर से वापस बूम आ गया है? यस, देखें टेक कैन नेवर गो अवे, क्योंकि हम लोग आसाइशों के लिए बहुत उसकी हमें आदत पड़ गई हुई है। वी वॉन्ट एवरी थिंग एट आर डोर स्टेप और टेक्नोलॉजी इज़ इन्वॉल्व इन एवरी थिंग। हम आज जैसे से आगे बढ़ेंगे वी वुड बी मोर रिलायंट ऑन दिस टेक्नोलॉजी। हो सकता है स्लम्प आए, यस हमारे सीट फंडिंग कम हुई थी, इन्वेस्टर पीछे ओवरऑल दुनिया में स्लम्प आया था, लेकिन टेक नेवर स्टॉप, और जो सक्सेसफुल टेक स्टार्टअप्स हैं वो अभी भी बूम कर रहे हैं। एंड जितना अभी फिनटेक के अंदर ऑल ओवर यूरोप और मीना रीजन में अभी भी बहुत ज़्यादा स्कोप है, पीपल आर गेटिंग इन, पीपल आर लुकिंग फॉर टेक्नोलॉजी कंपनीज, एंड सिंस पाकिस्तान हमारे पास इतना यूथ है एंड एवरीवन इज़ गोइंग टुवर्ड्स टेक, एंड दिस इज समथिंग आई रियली बिलीव कि हमारा फ्यूचर यहीं पर आ रहा है। हमारे साहब आपकी कंपनी डिजिटल है, इसके बारे में जरा बताइए क्या क्या आपके पास सर्विसेज ऑफर हैं? हम लोग वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, फ्रंट एंड बैक एंड, यूआई यूएक्स और डेवऑप्स की सर्विसेज देते हैं, प्लस वहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज भी हैं। वी आर काइंड ऑफ 360 डिग्री सर्विसेज प्रोवाइडर, कि जो फ्रॉम एंड टू एंड आपकी फ्रॉम डेवलपिंग योर प्रोडक्ट टू योर एंड सेल्स के अंदर फनलिंग करने में सारे हेल्प करती हैं डिफरेंट कंपनीज थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो हमारे साथ आप लोग बेस्ड कहाँ पर और कितने अर्से से आप लोग ऑपरेशन में हैं? हम लोग लाहौर बेस्ड हैं एंड वी आर बीन ऑपरेशन फॉर ऑलमोस्ट 12 ईयर्स, और वी हैव बीन स्केलिंग थ्रू आउट दीज ईयर्स, और द रिस्पॉन्स हैज़ बीन अमेजिंग। So being a tech company, आपको कुछ challenges face हुए हैं जब से आप लोगों ने operations start किए हैं? Yes, initially यहाँ पे था कि जो resources हैं they are not well trained enough, क्योंकि हमारा यहाँ पे tech के लिए इतने लोग जा नहीं रहे थे, and वो development जैसे जैसे generation आगे आ रही है they are getting more aware कि this is where future lies. Was that because of education का मसला था? बिल्कुल, education का हमें यूनिवर्सिटी और स्कूल्स में पढ़ाया नहीं जाता, इवन यूनिवर्सिटी डिग्रीज में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत कम दी जाती है, बुकिश नॉलेज ज़्यादा दी जाती है, एंड दैट इज़ व्हेन आप जब किसी भी फर्म में जाते हो तो आपको बुकिश नॉलेज तो पता होता है लेकिन एक्चुअली इंप्लीमेंट कैसे करना है ये आपको नहीं पता होता। लेकिन ये आप जिस समय ने बताया कि अभी हमारे पास आ रहे हैं सेवन सेमेस्टर एट सेमेस्टर के स्टूडेंट जो ऑलरेडी इंटर्नशिप वगैरह करके प्रैक्टिकल नॉलेज एक्वायर करना चाह रहे हैं। तो हमारे साहब AI का ज़माना आ चुका है और ऑब्वियसली अभी आगे मजीद AI ने ही आना है, उसका यूजेज आप पाकिस्तान में कैसे देख रहे हैं? बिकॉज एक फियर भी है ग्लोबली जो है कि AI ने अगले कुछ अर्से में ह्यूमन रिसोर्स को रिप्लेस कर देना है, तो ये एक तरफ ये फियर तो है बट ऑब्वियसली AI के एडवांटेजेस भी हैं, तो दोनों चीज़ों का हम साथ कैसे लेके चल सकते हैं कि AI रिप्लेस भी ना करें, लोगों की नौकरियां भी बची रहें बट एट द सेम टाइम AI से हम फायदे भी ले सकें? इफ़ आई एम ऑनेस्ट, ये वाला सेम फियर आया था जब आपके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा था बैक इन द 60s और 70s, उसमें भी लोग ये कहते हैं इंडस्ट्रीज लोगों को रिप्लेस कर देंगी, लेकिन द आंसर वॉज कम्प्लीटली ऑपोजिट वॉज के वो उन्हें रिप्लेस करेगी जो कि उस टेक को इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो सिर्फ टेक का इस्तेमाल करने वाला बंदा उन्हें रिप्लेस करेगा, ह्यूमन फैक्टर हमेशा रहेगा। इवन आप AI के ऊपर अभी कॉन्टेंट राइटिंग वगैरह की अगर मैं बात करूँ तो अभी भी आपको ह्यूमन उस अंदर फील चाहिए होती है, ह्यूमन एंड वो टच चाहिए होता है, एंड दैट इज़ समथिंग कि आपको इंटीग्रेट करना, लर्न दोज नॉलेजेस, अगर आप टेक्नोलॉजीज वगैरह अगर आप उनसे दूर जाएंगे तो यू विल बी द एंड आप लूज़ कर रहे होंगे, जो सोचते ना कि अभी बहुत देर है, इट इज़ हेयर राइट नाउ, आपको साथ साथ अपने आप को अपडेट करो, अपने आप को टेक्नोलॉजी का यूज़ करो एंड मेक मोर इफेक्टिव, जैसे कहते हैं वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड, ह्यूमन रिलायंस जो है वो नहीं कहीं जा रही, वो कहीं नहीं जा रही, वो वहीं पे रहेगी, वी विल फाइंड मोर जॉब जो कि टेक को ऑपरेट करने के लिए आती रहेंगी, टेक को डेवलप करने के लिए आती रहेंगी, लेकिन जॉब्स विल बी देयर। हमारे साहब पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं, IT सेक्टर का इकोनॉमी में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है एंड व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ दिस सेक्टर इकोनॉमी में कॉन्ट्रीब्यूट करने के लिए? ओके, इफ आई टॉक अबाउट इंडिया, उनका ऑलमोस्ट 30% GDP इज बेस्ड ऑन आपका टेक के ऊपर, और हमारा उस वक्त 1-2% के ऊपर है, एंड वी हैव अ ह्यूज पोटेंशियल, हम अगर चाहें, क्योंकि ये वो चीज़ है जहाँ पे आप कुछ इंपोर्ट नहीं कर रहे हो, हमारा इंपोर्ट बिल नहीं चाहिए हमें डॉलर्स,
नहीं हो रहा और सिर्फ आपके डॉलर्स का इनफ्लो है। अगर हम यही अपना डेवलप करके 15-20% चले जाए, हमें लोन्स की जरूरत पड़ना बंद हो जाएगी। सो दिस इज समथिंग वी हैव अ ह्यूज स्केल, वी हैव पोटेंशियल, अगर गवर्नमेंट इसे एनेबल करती है तो वी कैन डेफिनेटली गो। तो पोटेंशियल टैप कैसे होगा? वेयर आर वी लैकिंग? लैकिंग इन एजुकेशन। देखिए आपके पास बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं, IIT वगैरह, जो कि जहाँ पे आपका सिलिकॉन वैली में जो सत्य नडेला है वो बैठा हुआ है, आपका CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वो IIT से पढ़ा हुआ है। एग्जैक्टली, सो वाई नॉट हमारी कोई ऐसा बंदा क्यों नहीं आता? क्योंकि बिकॉज वी डू नॉट टीच देम, वी डू नॉट एनेबल देम, हमारे पास मार्केट की एक्सेस नहीं। हमारे यूनिवर्सिटीज और प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है। हम कहते हैं हमने बस पढ़ा दिया यूनिवर्सिटी में, दैट इज इट, वो प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ जाते हैं। तो दिस इज समथिंग कि हम अगर यहाँ पे एनेबल करें उस लेवल के ऊपर तो वी कैन गो द सेम वे। एंड आई मीन आई एम श्योर आपको पता ही होगा, रिसेंटली हमारे मिनिस्टर ने अनाउंस किया था कि IT एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा बढ़े हैं इस अरसे, पिछले कुछ अरसे में, तो ट्रेड पोटेंशियल भी हमारे पास है। बिल्कुल बिल्कुल है हमारे पास। देखिए यहीं पर आप कमा सकते हो। देखो आप कुछ भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, सिर्फ आपका ह्यूमन रिसोर्स है, जो यूथ हमारे पास बहुत प्रिवेलेंट है, जस्ट यूज देम और आप अपना ज़रा मुबादला और अपने ट्रेड डेफिसिट और डॉलर्स जो आप लोन लेते हो सारा कुछ खत्म हो सकता है। हमारे साथ समर डेजल से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच।